खरगोन जिले के ग्राम बरूड़ में मोटी माता मंदिर का भूमि पूजन नर्मदा के वरदपुत्र संत श्री 1008 बालकृष्ण जी महाराज, जिला बड़वानी और दंडी स्वामी श्री हेमेंद्रानंद जी सरस्वती महाराज के आतिथ्य और कबीर पंथ गुरुगादी बरूड़ के कैलाश कुमावत और छोटे महाराज साहब गुरुगादी के बाल मुकुंद जी महाराज के कर कमलों द्वारा किया गया। इस अवसर पर मंदिर कमेटी के पदाधिकारी, ग्रामीण जनता एवं भक्तजन उपस्थित थे। कार्यक्रम के आरंभ में सर्व समाज के ग्रामीण जन संतोषी माता मंदिर से ध्वजा लेकर मोटी माता मंदिर तक प्रस्थान किया। वहीं संत श्री बालकृष्ण जी महाराज ने अपने उद्बोधन में बीते दिनों की याद ताजा करते हुए राम मंदिर सेवा के बारे में किए गए कार्यों का उल्लेख किया। वहीं दान का महत्व बताते हुए कहा कि इस मानव जीवन में किसी व्यक्ति द्वारा लोगों के बराबर भी अगर दान दिया गया है तो वह दान जन्मों जन्मांतर तक फल देता है। अतः अपने मानव जीवन को सार्थक बनाने हेतु दान पुण्य व कर्म जरूर करें। मंदिर जीर्णोद्धार के भूमि पूजन पर संतों का साल श्रीफल से सम्मान किया गया। वहीं महाआरती एवं प्रसादी वितरण की गई। कार्यक्रम के अंत में मोटी माता मंदिर कमेटी के अध्यक्ष सुनील गुप्ता द्वारा सभी का आभार माना गया। बरूड़ से रामेश्वर कुमरावत की रिपोर्ट। आज बड़ा हर्ष का विषय है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष तीज को रोज 22 तारीख को संतों के द्वारा मोटी माता का भूमि पूजन किया गया है और हर्ष उल्लास के साथ संतों ने आशीर्वाद ये दिया कि यह मंदिर का पूर्ण काम तन मन धन से सभी समाज बंधु मिलकर करें, यही आशा है। संतों ने यही आशीर्वाद दिया। मंदिर का निर्माण हो रहा है, हाँ। इस संबंध में क्या कहेंगे आप? अरे पूरे गांव के लिए, पूरे समस्त सर्व जाति के लिए गर्व की बात है कि माँ नर्मदा के किनारे से अपने गांव में इतने महान संत बाजार है जिनके द्वारा माँ भगवती के मंदिर के जीर्णोद्धार का भूमि पूजन करना, ये बड़े गर्व की बात है और हमारे गांव वालों के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। और आप सब गांव वालों से प्रार्थना करते हो, सब मिलकर इसको तन मन धन से इतना भव्य बनावे ताकि प्राण प्रतिष्ठा के समय भी इसका भव्य आयोजन करे जो जीवन का सार्थक बनाए सबको। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।